गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, महंगा तो पेट्रोल भी है, उसका विकल्प भी केंद्र सरकार खोज कर लाई है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज एथेनॉल से चलने वाली पहली कार लॉन्च कर दी, कल की बात है। सरकार एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसे मील का पत्थर मान रही है और भविष्य में सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएगी। E20 योजना के तहत 2025 तक देश भर में कार्स पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्स्ड फ्यूल से दौड़ेंगी। इससे गाड़ी में ईंधन की कीमत 15 से 25 रुपए लीटर हो जाएगी और इसके क्या क्या फायदे होंगे खुद मंत्री जी ने विस्तार से डिटेल में बताया। 100% इथेनॉल टू व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा, बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैनिया की बसेस 100% इथेनॉल पर चलाई, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है तो ये 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी, तो ग्राहकों का फायदा है, प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है और किसानों को इसका फायदा होगा। नितिन गडकरी देश के वो मंत्री हैं जिनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। सड़कों के मामले में गडकरी ने खूब काम किया है, लेकिन एक रोड प्रोजेक्ट ऐसा भी है जिसने गडकरी के भी हाथ खड़े कर दिए हैं। 1.5 दशक बीत गया है, हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र का ये हाईवे पूरा ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक ऐसा हाईवे जिसे बनाने की कोशिश इतनी ज्यादा की जाती है, पूरे देश में हाईवे की हालत और NHAI की बेहतर स्थिति के लिए हर कोई नितिन गडकरी की तारीफ करता है, प्रधानमंत्री खुद जिक्र करते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल बेहतर हुआ है, बेहतरीन सड़कें, हाईवे जिस तरीके के देखने को मिले हैं, इसकी तारीफ तो की जाती है, लेकिन एक ऐसा हाईवे है, एक ऐसी सड़क है जिसके लिए बहुत कोशिश की गई लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। इसके लिए लगातार पैसे भी खर्च किए जाते हैं, कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़कों को नई पहचान दिलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। तय वक्त में तेजी से सड़कों का जाल कैसे बिछता है, हर सवाल का जवाब है नितिन गडकरी के पास। लेकिन एक ऐसा हाईवे भी है जिसका काम 15 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ, नितिन गडकरी के पास इसका जवाब नहीं। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। मुंबई गोवा हाईवे पर गडकरी ने ऐसी बात क्यों कही, इसका जवाब खुद ये प्रोजेक्ट है जो कहानी बनता जा रहा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। हाईवे की लंबाई 471 किलोमीटर है। पहले 2 लेन हुआ, बाद में 4 लेन कर दिया गया। पहले फेज में 84 किलोमीटर सड़क NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनानी थी, बाकी का काम महाराष्ट्र PWD के जिम्मे था। काम 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 साल तक काम शुरू ही नहीं हो पाया, जिस पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई। तब NHAI और PWD ने एफिडेविट दे दिया कि 2020 तक मुंबई गोवा हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। 2020 भी गुजर गई, नई डेडलाइन है 2023। पहला जो फेज है वहां पे काम की बहुत तकलीफ है। आगे संगमेश्वर जो इलाका है, कांटे से आरेवली से लेके कांटे तक, ये जो वाकन तक, ये जो इलाका है रत्नागिरी जिले में, और परशुराम भूमि का भी जो इशू था वो भी अभी थोड़ा सा डिले काम चल रहा है। चिपलूर में फ्लाईओवर्स के काफी काम डिले है। आपको मुंबई गोवा हाईवे का हाल दिखा देते हैं। कार्य प्रगति पर है, कंक्रीट वाली सड़क तैयार हो रही है, लेकिन सिर्फ 1 लेन पर, दूसरी लेन पर गड्ढे बन चुके हैं। साल 2010 से यहाँ से मुंबई गोवा महामार्ग के शुरू होना था और ये फेस वन का काम था, लेकिन फेस वन का काम आज जो है करीब 14-15 साल बाद जो है किस तरह से है उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ से यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन जो यहाँ पर रोड है, सड़क है, उसके हालात दिखाता हूँ। ये रोड को बनाने का काम किया गया, आप देखिए कि सीमेंट, मिट्टी और ये कंक्रीट यहाँ पर किस
हालत में है कि अगर गाड़ियां से यहां से निकले तो यहां से धसती हुई पूरी जो है ये मिट्टी, ये कंक्रीट और ये पूरा जो है सीमेंट यहां पे पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये रोड जो है बहुत दूर तक जाती है, कई किलोमीटर तक, जहां पर दिक्कतें लोगों को लगातार बनी हुई रहती हैं। लोग इन्हीं को पार करते हुए गुजरते हैं हिचकोले खाकर, जान जोखिम में डालकर। तभी तो इस हाईवे पर मौत का आंकड़ा 3000 के पार हो चुका है। मैंने आरटीआई में मालूमात निकाला तो आरटीआई में मालूमात मुझे सामने आई 2021 में कि 2450 के ऊपर मौतें हुई थी, और अभी तो इतना खड्डे 2021 से लेकर 23 में और बल्कि बढ़ गए। एक एक परिवार के 10-10 मेंबर जो है वो भी एक्सीडेंट में मर गए, अब तो 3000 के ऊपर क्रॉस किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 15000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 15 साल गुजर गए, इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ। इसीलिए राज ठाकरे को भी पूछना पड़ा कि 600 करोड़ में चंद्रयान मिशन सफल हो गया तो 15000 करोड़ रुपए लगाकर महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट क्यों अधूरा है। गेल्या 17 वर्षांमध्ये 15,566 कोटी रुपये खर्च झाला याच्यावरती। 15,566 कोटी कशाला म्हणतात? आणि 650 कोटी रुपयामध्ये चंद्रयान गेलं। सवाल वाजिब भी है क्योंकि जब सैकड़ों रोड प्रोजेक्ट्स डेडलाइन से पहले तैयार हो रहे हैं तो मुंबई गोवा हाईवे क्यों अटका हुआ है? इसका जवाब नितिन गडकरी के पास भी नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।